हेलो एवरीवन, आज एक गीगाबाइट का जी ए G31M ES2L ओके, ये 31 का एक मदरबोर्ड आया है। ठीक है, इसका क्या प्रॉब्लम है आपको दिखाता हूँ। और सप्लाई ऑन किया, इधर पे देखो स्टैंड बाई आ गया हमारा। ठीक है, पावर ऑन करते हैं, देखो 00 कोड पे चल रहा है। ठीक है, तो अगर मैं वोल्टेज चेक करूं, ठीक है, क्या क्या बोर्ड में वोल्टेज बन रहा है क्या नहीं बन रहा है देखना है, तो सीपीयू हमारा हीट अप नहीं कर रहा है। ठीक है, सो इधर पे 1.8 वोल्ट है जो हमारा रैम का सप्लाई है, ओके है। इधर पे इस बोर्ड में 1.5 एक बनेगा, ये 1.2, ये है हमारा ICH के लिए, ये 1.8 आ रहा है उधर से, 1.5, ये 1.5 हमारा GMCH के लिए। ठीक है, ये फिल्टर कैपेसिटर पे भी 1.5 मिलेगा आपको, देखो ये 1.5, ओके। इसके बाद डायरेक्टली चला जाते हैं VTT का 1.8, ओके। VTT हमारा मिसिंग है, तो VTT मिसिंग होगा तो कोर तो ज़रूर मिसिंग है। यस, 12 वोल्ट प्रेजेंट है बट और कोई भी वोल्टेज नहीं है हमारा। ठीक है, ओके, सो हमारा कोर का वोल्टेज प्रेजेंट नहीं है, इसका रीज़न है हमारा VTT, ओके। देखो VTT इधर पे 1.2 वोल्टेज मिलना चाहिए, ये नहीं है, और इधर पे हमारा गेट ज़ीरो है। चलो ट्रेस करते हैं गेट को। देखो इस बोर्ड में दो ऑपएम्प लगा हुआ है, LM324 दो ऑपएम्प है, तो हमें देखना है कौन सा ऑपएम्प से ये कनेक्टेड है। ये इधर से डायरेक्टली कोई रजिस्टर वगैरह से भी कनेक्ट हो सकता है और डायरेक्टली भी कनेक्ट हो सकता है, तो डायरेक्टली हम चेक करेंगे बजर मोड पे। डायरेक्टली तो इस पे वाले पे नहीं है, इस वाले पे भी मोस्ट प्रोबेबली, देखता हूँ वन सेकंड, आप लोगों को थोड़ा सा डाउन ले लेता हूँ, ओके। ये देखो दो LM324, ये एक, ओके। सो गेट के साथ मैं चेक कर रहा हूँ बजर मोड पे, नहीं है। सो देखते हैं इसके साथ कोई रजिस्टर वगैरह कनेक्ट है कि नहीं, ओके। इधर पे दो रजिस्टर कनेक्टेड है, ओके, तो कोई रजिस्टर के ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, हाँ। इधर पे एक रजिस्टर ग्राउंड के साथ भी कनेक्टेड है, और ये मिडिल वाले से देखते हैं, ये इधर से कनेक्टेड है, तो इसका जो आउटपुट है, ओके। देखो इस सर्किट को थोड़ा सा देख लो, अगर इधर पे थोड़ा सा मैं दिखाऊँ आपको, देखो इधर पे दो रजिस्टर है छोटा छोटा, ओके, ग्राउंड के साथ इधर पे बीप आ रहा है, ओके, मिडिल पॉइंट पे, और ये दो जो रजिस्टर है दो कनेक्टेड है, एक का आउटपुट ग्राउंड है, ठीक है, और एक मोस्ट प्रोबेबली हमारा कोई LM के साथ कनेक्टेड होगा। ये देखो 7 नंबर पिन से कनेक्टेड है इसका, तो ये LM का आउटपुट के साथ ये कनेक्टेड है, और ये एक 100 ओम, हाँ ये 100 ओम है, बिकॉज इधर पे ऐसा ही होता है, लो रेजिस्टेंस 100 ओम के साथ ये कनेक्टेड है इस तरह पे। तो इसके बाद में और एक रेजिस्टेंस है, ये है, इसका वैल्यू क्या है देख लेते हैं, टू के भी नहीं आ रहा है, ये क्या ज़्यादा ही बड़ा रेजिस्टेंस है क्या, 8.2 जो होता है वो है 8.3, ओके। सो क्या होगा इसका मतलब, जो मुझे लगता है, देखो इधर पे हमारा LM आउटपुट जो करेगा वोल्टेज, वो वोल्टेज भी आएगा डायरेक्टली किधर पे, देखो इसका ये इसके साथ कनेक्टेड है, ओके, अब बजर सुनो, इसके साथ ये कनेक्टेड है, ठीक है, और अभी ये इसका जो आउटपुट है वो कनेक्टेड है इस वाले पे, और उसके साथ वो भी और एक रजिस्टर से कनेक्ट होके आ रहा है इधर। ठीक है, मैं समझ गया, ये एक वोल्टेज डिवाइडर है,
मैं देख रहा हूँ ये ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, तो इधर पे एक वोल्टेज डिवाइडर है, ठीक है। तो इसका 7 नंबर पिन हमारा इसका आउटपुट है, इसका मतलब इसका इनपुट 5 और 6 नंबर पिन होगा, ठीक है। तो चलो मैं थोड़ा सा स्कीमेटिक निकल लेता हूँ, नहीं तो ये हमें सर्च करना है मॉस्फेट। इधर पे मॉस्फेट का नंबर है Q315। ओके चलो फाइंड Q315। ओके इधर पे देखो ये आ गए हम लोग। ओके चलो आप लोगों को थोड़ा सा इधर पे मैं इस वाले को फिक्स ही रखता हूँ इसका। इधर पे देखो ये हमारा मॉस्फेट है, 1.8 वोल्ट इनपुट है, आउटपुट में VTT है, जो VTT नहीं मिल रहा है हमें, ठीक है। GMCH का VTT ये CPU में भी जाएगा, GMCH में भी जाएगा, सो ये हमें मिसिंग हो गया ये। सो हमें क्या करना है, हमें देखना है ये जो रजिस्टर डिवाइडर है ये ओके है कि नहीं, बिकॉज पिन नंबर 5 पे हमें चाहिए वोल्टेज 1.2 वोल्ट के करीब, ठीक है, 1 वोल्ट से 1.2 वोल्ट के करीब इधर पे चाहिए। तो इधर पे आउटपुट जनरेट करके ये से एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। तो हम लोग इसे ट्रेस करते हैं, इस रेजिस्टेंस को ट्रेस करते हैं। ये जो दो है ये डायोड है, ये इस वोल्टेज से इस तरफ जाएगा, सो ये आउटपुट है, इससे छोड़ दो, हमें इधर पे फोकस करना है जो पिन नंबर 5 पे हमारा क्या वोल्टेज बन रहा है, ठीक है। ये पिन नंबर 5 पे चलो बोर्ड के मैं ऑन कर लेता हूँ वोल्टेज, आप लोगों को थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ, नहीं तो आप नहीं देख सकते, ठीक है। चलो देखो मैं ट्रिगर दे रहा हूँ, फिर भी 0.0 है। सो अभी इसका पिन नंबर हमें चेक करना है, इस IC का पिन नंबर A7 A6 A5। देखो 5 पे कोई वोल्टेज ही नहीं है, ठीक है, 5 पे हमारा कोई भी वोल्टेज नहीं है। अगर आप देखो ये मल्टीमीटर को देखो, फोकस करो मल्टीमीटर पे, देखो पिन नंबर 7 आउटपुट है, कुछ भी नहीं है, पिन नंबर 6 कुछ भी नहीं है, पिन नंबर 5 भी कुछ भी नहीं है। पिन नंबर 5 से हमारा रेजिस्टेंस कनेक्टेड होगा, बोर्ड ऑफ कर देता हूँ। पिन नंबर 5 से 2 रेजिस्टेंस कनेक्टेड होगा जो वोल्टेज डिवाइडर के काम करेगा। तो सर्च कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं पिन नंबर 5 से कौन सा बीप कर रहा है। पिन नंबर 5 ये पिन नंबर 5 से बीप कर रहा है, ओके यस ये पिन नंबर 5 से बीप कर रहा है इधर पे, ठीक है। थोड़ा सा अगर दिखाऊं तो पिन नंबर ये 5, ओके ये हमारा 5 से देखो इधर पे बीप कर रहा है, और ये रजिस्टर तो इस साइड क्या ग्राउंड है, नहीं ग्राउंड नहीं है, ठीक है। मैं ग्राउंड से चेक कर रहा हूँ, इधर पे भी देखो, ठीक है, इधर पे कोई कॉमन, हाँ देखो ये ग्राउंड, ठीक है, देखो ग्राउंड नहीं है, ठीक है। तो ये मोस्ट प्रॉब्ली इनपुट होगा, देखो ये जो वायर है इसे दिखाई दे रहा है इधर पे जा रहा है, तो इसका जो पॉइंट कॉमन पॉइंट है वो इस तरफ आ रहा है, देखो ये कनेक्टेड, तो ये मस्ट भी ग्राउंड होगा, हाँ ये ग्राउंड है। सो हमारा वोल्टेज डिवाइडर मिल गया, सो ये हमारा इनपुट है, इधर पे 2.5 वोल्ट चाहिए। चलो देखते हैं इधर पे 2.5 वोल्ट है कि नहीं। थोड़ा सा कैमरा को ठीक कर लेते हैं, ओके बोर्ड ट्रिगर देता हूँ, ये मैंने ट्रिगर दे दिया, ठीक है। आप मल्टीमीटर को फॉलो करो, अगर वोल्टेज आएगा तो आपको दिख जाएगा मल्टीमीटर ग्राउंड, तो ये वाले पॉइंट पे ये देखो 2.5 वोल्ट इनपुट है, आउटपुट हमारा आउटपुट नहीं है, ओके। सो क्या हो रहा है मैं बता देता हूँ, देखो ये सर्किट देखो, इधर पे हमारा इनपुट 2.5 मिल रहा है, ये दो रेजिस्टेंस हमें मिल गया, बट इधर पे
जो 5 नंबर पिन पे जो वोल्टेज आना था वो मिसिंग है। ये वोल्टेज मेरा काम नहीं कर रहा है, इसका रीज़न ये ख़राब हो सकता है, ये डायोड ख़राब हो सकता है, कैपेसिटर ख़राब हो सकता है और कुछ नहीं। ओके सो चलो देखते हैं कौन सा रीज़न की वजह से ये हो रहा है। LM भी ख़राब हो सकता है, तो देखते हैं पहले ये शॉर्ट है कि नहीं। ठीक है, आउटपुट शॉर्ट नहीं है ना, कैपेसिटर कौन सा है वो भी देखना है। ठीक है, सो देखो मैं ग्राउंड ले लेता हूँ इससे। तो ये पॉइंट हमारा था जो 5 नंबर पिन पे जा रहा है। देखो ये 5, ये 6, ये 7, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 से कनेक्टेड, ये 6, ये 7 जो आउटपुट है, जो हमारा आउटपुट पे कनेक्टेड है। ठीक है, ओके। तो अभी इधर पे हमें जो देखना है, चलो इधर पे जो देखना है वो है आउटपुट तो शॉर्ट नहीं है। ठीक है, सो अभी वोल्टेज क्यों नहीं बन रहा है, तो ये जो रजिस्टर है इसका वैल्यू चेक करते हैं। इसका वैल्यू है 30 किलो, जो पहला रेजिस्टेंस है, पहला रेजिस्टेंस ये मैंने फाइंड किया, इधर पे है 30 किलो ओम, ये 15 आ रहा है, 30 किलो ओम है, और एक जो है वो है 28 किलो ओम, ये 14 आ रहा है। सो एक 15 एक 14, चलो रजिस्टर को थोड़ा सा सर्किट से बाहर निकल के देखते हैं रजिस्टर का वैल्यू ओके है और कोई प्रॉब्लम। कैपेसिटर यही वाला है मोस्ट प्रोबेबली, जो बाजू में दिख रहा है। 1 सेकेंड, इसका जो आउटपुट 5 नंबर पिन के साथ कनेक्टेड होगा, यस ये ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, ये हमारा कैपेसिटर है। ठीक है, जो आउटपुट में कैपेसिटर लगा है वो है, तो हम लोग कैपेसिटर को भी हटाएंगे, रजिस्टर को भी शिफ्ट करेंगे एक साइड में और देखेंगे आउट ऑफ क्या बोलते हैं उठा आउट ऑफ सर्किट वो क्या वैल्यू शो करता है। ठीक है, तो हम लोग नहीं जानते इसका GMCH ICH वगैरह ओके है कि नहीं, बट जो प्रॉब्लम मिला है उसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं, उसे बनाते हैं। जो वोल्टेज नहीं बन रहा है हमारा किसके लिए, जो प्रोसेसर है उसके लिए, पहले उसे देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिफाइन करेंगे। तो कैपेसिटर पहले ही ओपन कर लूँगा, बिकॉज कैपेसिटर इधर पे रहेगा और नहीं रहेगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो ये वोल्टेज क्यों नहीं बन रहा है ये हमें फाइंड आउट करना है, वो रीज़न क्या है। ठीक है, क्यों हमारा वोल्टेज डिवाइडर लगा होने के बावजूद भी ये बन नहीं रहा है। देखो क्या किया, एक घर इसका शिफ्ट कर दिया। ओके, देखो कैपेसिटर हटा दिया पहले, ये देखो देखो ये कैपेसिटर मैंने हटा दिया, ये इधर पे रखा हूँ। ओके, ये बाद में देखूँगा इसका वैल्यू वगैरह, बट अभी देखो ये जो रेजिस्टेंस है और ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस को एक घर शिफ्ट कर दिया। इससे हम लोग आउट ऑफ सर्किट उसे ट्रेस भी कर सकते हैं और उसका वो घूमेगा भी नहीं। ठीक है, तो 30 किलो में 200 पे रख के चेक करना है। सो देखते हैं, ये देखो एक 30 और एक 28, तो रेजिस्टेंस हमारा ओके है। तो क्यों नहीं ये वोल्टेज जनरेट कर रहा है ये हमारा कंसर्न है। तो चलो ओपेम को एक बार चेंज कर देते हैं, ओपेम भी ख़राब हो सकता है हमारा। ठीक है, रजिस्टर को बैक टू पोजीशन कर देते हैं, कैपेसिटर लगाने का ज़रूरत अभी नहीं है, बाद में देखेंगे कैपेसिटर। देखते हैं LM की वजह से प्रॉब्लम है और कुछ और, बिकॉज इधर पे तो और कुछ नहीं है। वोल्टेज तो बनना था डायोड के, जो अगर आउटपुट में शॉर्ट है तो इनपुट वोल्टेज तो नहीं गिरेगा उसके वजह से, राइट। सो ये वोल्टेज क्यों नहीं प्रेजेंट है हमारा, वो हमारा फर्स्ट कंसर्न है, उसके बाद हम लोग बाकी बारे में सोचेंगे।
रजिस्टर हमने लगा दी। ये ऑप एम्प हमने हटा लिया। चलो एक ऑप एम्प ले लेते हैं। अब जानते हो गीगाबाइट के बोर्ड में इधर पे मिलता है ऑप एम्प, सेम है 3 to 4। दिखा देंगे, अभी ओपन कर लेते हैं। ठीक है, हॉट एयर ऑन है, पहले ओपन कर लेते हैं। वोल्टेज डेवलप करना ही चाहिए उधर पे, वोल्टेज जो है वो शॉर्ट नहीं है, सो हो सकता है ज़्यादा करंट खींच रहा है। ठीक है, सो ये रीज़न क्या है ये पता चलना, थोड़ा सा हमें पता करना है। ठीक है, कि किस रीज़न के वजह से हमारा जो वोल्टेज है उधर पे वो बन नहीं रहा है। इनपुट तो प्रेजेंट है, तो इनपुट अगर प्रेजेंट है तो आउटपुट क्यों नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो इधर पे पिन नंबर 1 है, तो हम लोग पिन नंबर 1 देख के ही लगाएंगे। सॉरी, आप नहीं देख सकते। हमने प्रॉपरली लगा दिया है। तो पहले आपको दिखा देता हूँ, ये है हमारा पहला LM324 जो मैंने ओपन किया। मोस्ट प्रोबेबली ये ख़राब भी हो सकता है। ठीक है, ये आप अगर देख सकते हो क्या, ये देखो LM324 दिख रहा है। ओके, पहली लाइन में लिखा है और इधर पे भी दिखेगा। थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ। ये ऑप एम्प है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ओके, तो इससे हमारा मॉस्फेट वगैरह कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, कांस्टेंट वोल्टेज डेवलप करके आप मॉस्फेट को कंट्रोल कर सकते हैं। ये अगर देख सकते हो, ये देखो 3 to 4 लिखा है। ठीक है, तो ये 3 to 4 हमारा। तो कैपेसिटर अभी नहीं लगाते हैं, थोड़ा सा देखते हैं इसका क्या अभी कंडीशन वगैरह बन रहा है। ठीक है, ये बोर्ड क्या कंडीशन पे अभी है वो थोड़ा सा देखते हैं, हमारा वोल्टेज वगैरह क्या है स्टेटस। ओके, तो चलो देखते हैं हमारा वोल्टेज वगैरह क्या बन रहा है, क्या हुआ। ठीक है, इधर पे तो ऑप एम्प हमने चेंज करा। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो पावर ऑन करते ही ये 0-0 पे ही है। ठीक है, तो हमारा क्या उस पॉइंट पे वोल्टेज बना, ये हमारा कंसर्न है। देखो इधर पे वोल्टेज नहीं बना है। ठीक है, जो वोल्टेज डिवाइडर है उसका इनपुट तो ओके है, आप देख सकते हो जो उसका इनपुट ओके है, बट पिन नंबर 5 जो है 1 2 3 4 5 इधर पे, तो इस पॉइंट से वो कनेक्टेड है, इधर पे कोई भी वोल्टेज नहीं है। ठीक है, पिन नंबर 5 और 6 1 2 3 4
4 या 5। हाँ, सो मैं एक बार आपको, चलो अभी इस बोर्ड में देखो, इधर पे वोल्टेज ना बनने का रीज़न हो सकता है आपका शॉर्ट, ओके, बट शॉर्ट नहीं है। सो अगर शॉर्ट नहीं है तो आपका क्या है इस बोर्ड में जिसके वजह से ये वोल्टेज नहीं बन रहा है, ठीक है। चलो देखो, ये बोर्ड मैं एक बात बताता हूँ आपको। देखो बहुत लोग यूट्यूब में ऐसा बोर्ड लेके पहले ट्रेस आउट कर लेता है, काम वगैरह देख लेता है, उसके बाद जब रिज़ल्ट मिल जाता है तब डाल देता है 10 मिनट का वीडियो बना के, चलो भाई एक ट्रिक्स दिखा देता हूँ, ये हटा दो, ये शॉर्ट कर दो, इसे बाईपास कर दो, आपका बोर्ड रेडी हो जाएगा, ठीक है। मैं समझता हूँ वो वीडियो भी बहुत चलता है यूट्यूब में, बिकॉज़ लोगों के पास टाइम नहीं है उतना, जो आपका 30 मिनट और आधा घंटा का वीडियो देखेगा और उधर से वो नॉलेज लेगा, ठीक है। बट मैं, अगर ऐसा मेरा उद्देश्य होता चैनल का तो मैं ऐसा ही करता, बट मेरा जो चैनल का मोटिव है वो आपको सिखाना है एक्चुअली कैसे आप फाइंड कर सकते हो प्रॉब्लम क्या है। ये नहीं जी मैंने बता दिया, चलो भाई बोर्ड में डिस्प्ले का प्रॉब्लम है, आप इधर से एक कंपोनेंट हटा दो, ओके, देखो ये ट्रिक, ये हटा दिया बोर्ड ऑन, ओके, और ये ट्रिक, चलो इधर पे कंपोनेंट को आप, ये कंपोनेंट को आप बाईपास कर दो, ठीक है, ओके, रजिस्टर को आप शॉर्ट कर दो और उसे चेंज कर दो, समथिंग, ओके, आई डोंट नो। तो ऐसे करने से क्या होता है, आप तो देख लेते हो 10 मिनट में आपको सोल्यूशन मिल जाता है, ओके भाई ये हटाना है, इस बोर्ड में आए तो ये हटा दो, आपका बोर्ड रेडी हो जाए, राइट। ऐसा एक हमारे दिमाग में गलतफहमी है ना, तो ये जो गलतफहमी है ना, ये आपको थोड़ा सा हटाना है अपने दिमाग से, बिकॉज सोचो एक बात, ओके, अगर आपका बोर्ड में ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ जिसके वजह से आपका नो डिस्प्ले में चला गया बोर्ड, आप अगर उसे खुद नहीं ढूंढ सकते हो तो आप कैसे कोई भी मदरबोर्ड का फॉल्ट आपको अगर मिल जाए तो आप कैसे खुद उसे सर्च कर सकते हो। देखो मेरे केस में आप समझो, इधर पे कुछ ख़राब है और इधर पे कुछ ख़राब है, कोई जगह पे, मैंने इस वीडियो में फाइनली जो देखेगा वो तो गारंटी ये समझ जाएगा कैसे ट्रेस करना है, कैसे फाइंड आउट करके कैसे रिपेयर करना है। इस वीडियो में मैं वही सिखाने वाला हूँ, ठीक है, मैं भी नहीं जानता हूँ, मैं देखा इधर पे रैंडमली बहुत जल्दी जल्दी में मैंने देखा जो हाँ वोल्टेज नहीं बन रहा है, इसका रीज़न है डायोड है, इधर पे LM है, LM को हटा दिया, LM चेंज कर दिया, इधर पे LM भरा हुआ है, ओके, रजिस्टर वगैरह का वैल्यू ओके है, तो हमारा इसमें क्यों नहीं वोल्टेज बन रहा है। ये अभी मैं पूरा स्कीमेटिक से एकदम पॉइंट टू पॉइंट जाऊंगा और ऑफकोर्स प्रॉब्लम फाइंड कर सकता हूं मैं, ठीक है, बिकॉज मैं तो ट्रिक नहीं दिखाता हूं, ठीक है, जे ये ट्रिक्स है, ओके। तो देखो भाई, अगर आपको काम सीखना है, ठीक है, अब समझ लो, अगर आपको काम सीखना है तो ये ट्रिक्स वगैरह देखना छोड़ दो, और ट्रिक्स वगैरह से आपका हाथ में जब बोर्ड आएगा तब आप ट्रिक्स अप्लाई करोगे, ये हटा दोगे, समझो इधर से कुछ हटा दिया, इधर को शॉर्ट कर दिया, जो भी है, जो भी दिखाया, जिसका प्रॉब्लम में जो आया उस वो दिखा दिया जी, ये हटा दो, ये लेके आ जाओ, बोर्ड में डिस्प्ले आ जाएगा, वो देख लिया, वो अप्लाई कर दिया, आपका बोर्ड नहीं बना, तब अब क्या किया, थोड़ा देर यदि इधर उधर पे देखा और दो वीडियो देखा, उधर पे देखा, पहले में मैं बताया ये हटा दो तो ये हटा दिया, दूसरे में मैं बताया ये हटा दो ये हटा दिया, तीसरे वीडियो में दिखाया ये हटा दो ये हटा दिया, चौथे वीडियो में दिखाया ये बाईपास कर दो, तो सब कुछ करके देख लिया, आपका बोर्ड नहीं बना, बिकॉज़ आपका प्रॉब्लम इधर से जेनरेट ही नहीं हो रहा है। तो आपको खुद को फाइंड करना सीखना है, वो जो ट्रिक्स वाला है ना, वो ट्रिक्स वाला वीडियो आपके लिए नहीं बना है, जो बिगिनर लोग हैं, जो प्रोफेशनल है उनके लिए बना है, वो ट्रिक्स नहीं देखता है, वो देखता है ओके इस कंडीशन में ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो
उधर पे ध्यान मत दो। अगर आपका सीखना है तो वो ट्रिक्स जिधर पे अप्लाई कर रहा है ना, समझो मैं बोल रहा हूँ Q362 को हटाना है, Q362 जो है उसे हटाना है। अगर आपको ये मैं बताऊं तो आप स्कीमेटिक डाउनलोड करो बोर्ड का और देखो इसका क्या फंक्शन है, क्यों ये हटाना इम्पोर्टेंट है, क्यों मैं हटा रहा हूँ, ये सब आपको देखना है, फिर आपको आगे जाना है, ठीक है। तो रिपेयरिंग के लाइन पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो आप काम कर रहे हो वो ऐसा नहीं होना चाहिए जो आप जो भी दिखा रहा है कोई भी उसे आप देख के अप्लाई कर रहे हो। ऐसे करोगे तो आपके पास 10 बोर्ड आएगा तो 5 बन जाएगा, बिकॉज ऑफ 5 वो कॉमन में से ही होगा, ठीक है। कॉमन फॉल्ट जो है, देखो ये सब बोर्ड में ना ज़्यादातर कॉमन फॉल्ट होता है तो हो जाएगा, बट आपके पास जब भी क्या नया बोर्ड आएगा बार और कोई बोर्ड पे, आई डोंट नो इस बोर्ड पे कोई भी वीडियो है कि नहीं, मैंने तो नहीं सर्च किया यूट्यूब पे, सर्च भी नहीं करता कभी भी। सो अगर इस बोर्ड में कभी भी ये वीडियो आपके पास ये बोर्ड आ जाए तो मेरा वीडियो मे बी पॉपअप करेगा यूट्यूब पे, तो जब आप देखोगे तो आपको बुरा लगेगा, भाई इतना टाइम क्यों, कौन देगा इतना टाइम। बट भाई मैं एक बात बताता हूँ, ठीक है, अगर आपके आपको काम सीखना है ना तो आपको टाइम देना पड़ेगा भाई। मैं इधर पे इतना टाइम इन्वेस्ट किया उसके बाद ही आपको मैं वीडियो में बोल सकता हूँ कि ये करना है, ऐसे चेक करना है, नहीं तो आप कैसे, मैं भी कैसे करता, ठीक है। अगर मैं भी ट्रिक्स वगैरह देख के कंपोनेंट हटाने लग जाता, कोई भी नॉलेज ही नहीं है, ठीक है, तो ऐसा मत करो। ये वीडियो अभी देखो क्या किया मैंने, चेक किया वोल्टेजेस हमारा बन नहीं रहा है VTT, इसे बोला जाता है GMCH VTT। तो GMCH जो VTT है वो मिसिंग है, GMCH VTT जो मिसिंग है उसका रीज़न क्या है, ये सिंगल, जब भी अभी सिंगल MOSFET दिखाई दे उसे कंट्रोल करने के लिए op amp लगा है, तो op amp से हमने देखा इस op amp से वो कनेक्टेड है, राइट, इस op amp से अगर कनेक्टेड है तो पिन नंबर 5 में हमारा वोल्टेज आना चाहिए था, 2.5 वोल्ट जो इनपुट हो रहा है वो डिवाइडेड होके 1.2 वोल्ट के करीब इधर पे 5 पिन नंबर पे 5 पे आना था, बट पिन नंबर 5 पे फिर भी नहीं आ रहा है, हम लोग op amp भी चेंज करके देख लिए, ठीक है। अभी हम लोग स्कीमेटिक में जाएंगे, एवरीथिंग देखेंगे मल्टीमीटर से क्या है क्या नहीं है, फिर डिसाइड करेंगे हमारा कौन सा रीज़न के वजह से हमारा ये वोल्टेज नहीं बन रहा है। इसका रीज़न कुछ ना कुछ होगा। देखो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कभी भी बोर्ड आपको धोखा नहीं देगा, ऐसा नहीं है इधर पे शॉर्टिंग नहीं है तो ये हटा दिया, ये डायोड वगैरह तो आउटपुट में शॉर्ट होगा कि नहीं होगा वो हमें मतलब नहीं, बट इनपुट में अगर डायोड लगा है तो वोल्टेज वो नहीं गिरने देगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर भी हम लोग शॉर्टिंग वगैरह चेक करेंगे, एवरीथिंग देखेंगे, पहले भी देख चुके हैं इधर पे, मैंने भी दिखाया इधर पे शॉर्ट तो नहीं है, देखो। तो हम लोग चालू करते हैं पूरा काम, जो भी इंटरेस्टेड हो काम सीखने में, खुद को अगर ऐसे लेवल पे ले जाना चाहते हो जब भी बोर्ड आए यूट्यूब वगैरह नहीं देखना पड़े, डायरेक्टली आप काम करने बैठ जाए, सर्चिंग करे ओन तरीके से आगे बढ़ो एंड आपका प्रॉब्लम सॉल्व करो, तो ये वीडियो पूरा देखो, ठीक है। जो भी सीखना चाहते हो पूरा देखो, आपका टाइम वेस्ट कभी भी नहीं होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा बट टाइम लगेगा इसलिए बिकॉज ये एक्चुअली कोर्स है, ओके, ये एक्चुअल कोर्स है, ये ट्रिक्स नहीं है जी, इसे हटा दो इसे लगा दो, ठीक है। अगर आपको इंजीनियरिंग करना है, ठीक है, आपको 3 साल लग जाएगा डिप्लोमा करने में, बीटेक करने में 4 साल लग जाएगा, तो वो भी एक कोर्स है ना, उसे करने में टाइम लगता है। जो भी चीज़ वास्ट है ना उसमें ही एक्चुअल नॉलेज छुपा है, 10 मिनट में नॉलेज नहीं है, ठीक है, इसे समझना पड़ेगा आपको। चलो मल्टीमीटर को मैंने ग्राउंड पे रख देता हूँ, इधर से ग्राउंड लेता हूँ, देखो इस पॉइंट पे पिन नंबर 5 1 2 3 4 5, इस 5 नंबर पिन हमारा शॉर्टेड नहीं है, 5 नंबर पिन से हमारा एक डायोड कनेक्टेड है ये, ओके, तो ये डायोड हमारा इससे कनेक्टेड है, तो इस डायोड का हमारा आउटपुट हम लोग देख लेंगे। देखो आउटपुट में इस डायोड का कोई भी शॉर्टिंग नहीं है,
ठीक है। सो डायोड का आउटपुट शॉर्ट नहीं है, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग ट्रेस करते हैं, इसका सर्किट डायग्राम आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, बिकॉज ये इम्पोर्टेंट है। ओके चलो अभी आपके साथ ही मैं टेस्ट करूँगा इधर पे क्या हमें करना है क्या नहीं, ठीक है। तो देखो जो इधर पे जो कंडीशन है, जो बन रहा है जो नहीं बन रहा है, देखो ये हमारा मॉस्फेट है, ये हमारा ऑपएम्प है। ओके ओके, ऑपएम्प जो है वो बड़ा वाला जो चिप है उसमें चार ऑपएम्प लगा हुआ होता है, ठीक है। मैं वीडियो के इधर पे आपको शो कर दूंगा, ठीक है, ऑपएम्प का इंटरनल डायग्राम क्या होता है। तो वो चार ऑपएम्प से बना हुआ एक कंट्रोल आईसी है, कंट्रोलर आईसी, ये ऐसा ऑपएम्प उसके अंदर में लगा हुआ है। देखो इधर पे लिखा है, जरा वन सेकेंड, ये नहीं है, हाँ देखो इधर पे लिखा है U87B, इधर पे देखो U87C। सो इसका मतलब ये भी U87 से कंट्रोल हो रहा है। उधर पे अगर देखोगे ये नंबर, देखो इधर पे U87 दिख रहा है किधर पे, वन सेकेंड मैं भी देख लेता हूँ U87 किधर पे लिखा है। देखो इधर पे लिखा है ये नीचे में, ओके U87। सो U87AB का मतलब क्या है, इसका मतलब वो जो चार ऑपएम्प है इसके अंदर में उसका ए पार्ट एक है, बी पार्ट एक है, सी पार्ट एक है और डी पार्ट एक है, ठीक है। तो और चारों को ऑपएम्प चार मॉस्फेट को कंट्रोल कर रहा होगा, ठीक है। सो चलो देखते हैं, दो तो हमें मिल गया और दो इधर पे मिलेगा क्या। देखो 87 का ये एक है, ये VTT पावर गुड को संभाल रहा है, ओके 87A, B, C और D किधर है, D के इस्तेमाल किया गया है क्या, नहीं भी किया गया हो सकता है, ठीक है, ऐसा नहीं है करना ही है, मोस्ट प्रोबेबली करता है नहीं है, ठीक है। ये फिर और एक आ गया U8, सो उसे बाद में, ये हमारा कौन सा नाम नहीं है बस। चलो तो वो जो ऑपएम्प है, देखो इधर पे कंडीशन देखो, ठीक है, कंडीशन अच्छे से समझो। इधर पे हमारा वोल्टेज डिवाइडर काम नहीं कर रहा है, इस पॉइंट पे हमारा, इस पॉइंट पे वोल्टेज है, इस पॉइंट पे हमारा वोल्टेज नहीं है। तो हम लोग क्या किए, पहले रैंडमली हम लोग इस आईसी को रिप्लेस किए, जे भाई ये आईसी पे जा रहा है हो सकता है, बट आईसी शॉर्ट नहीं है, आईसी हमारा ओके ही था। तो ये कैपेसिटर भी हमने फेंक के देख लिया, ये कैपेसिटर भी हमारा ख़राब नहीं है। इस साइड को देखो, ये जो डायोड है ये इस साइड को जा रहा है, ठीक है, लिखा गया है VTT GMCH UV, ये ओवर वोल्टेज वगैरह के लिए इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, VTT ओवर वोल्टेज, ये मोस्ट प्रॉब्लम हमारा आयो में जा रहा है। तो देखो ये ऐसे इधर पे वोल्टेज बनेगा तो ऐसे इधर से और इधर से निकल जाएगा आयो की तरफ। सो ये जो हमारा डायोड है, ये डायोड का आउटपुट भी शॉर्ट नहीं है। अगर आउटपुट शॉर्ट होता तो मोस्ट प्रोबेबली इधर पे कम वोल्टेज बनता, डायोड हीट अप होता, बट पूरा वोल्टेज ही गायब हो रहा है, ओके इसे समझना है। तो इधर पे और क्या है, और कुछ भी है क्या जो इसे ग्राउंड में कर रहा है। तो देखो इधर पे लिखा गया है VTT लेवल, चलो इसे सर्च करके देखते हैं ये क्या कोई और जगह पे जा रहा है। अगर नहीं जा रहा है तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस हो गया, ये इसका मतलब है ये जो बोर्ड का ये पॉइंट है इस सिरा टू इस सिरा, ठीक है, इस पॉइंट में कोई इंटरनली शॉर्ट सर्किट हो गया बोर्ड में, ओके, जो इंटर लेयर शॉर्ट सर्किट बोला जाता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बोर्ड को कटिंग वगैरह करना पड़ेगा अगर ये VTT लेवल और कभी कोई भी जगह नहीं जा रहा है। बट हम लोग देखेंगे पहले, उसके बाद डिसाइड करेंगे, ओके। तो चलो टाइप करते हैं, ये है VTT, मैं इधर पे टाइप कर रहा हूँ VTT_1 सेकेंड, मैं थोड़ा सा टाइम दे दो। चलो ये सर्च कर लिया, इधर पे आ गया। देखो इधर पे हमें शो कर रहा है दो पॉइंट है, तो इसका मतलब और एक पॉइंट है। चलो किधर पे पॉइंट जा रहा है देखते हैं। ये देखो भाई, इधर पे आ रहा है और एक मॉस्फेट पे, ओके, मॉस्फेट का नंबर है Q3316। ये देखो, तो ये है VTT लेवल। तो वो जो VTT लेवल है वो इस मॉस्फेट पे आ रहा है। अगर ये मॉस्फेट खराब है तो ये VTT लेवल इसके अंदर से ग्राउंड हो जाएगा, तो हमारा वोल्टेज नहीं बनेगा। यही पॉइंट है जो हमें इस बार चेक करना है। ऐसा क्या है इस मॉस्फेट को, ये मॉस्फेट क्या ओके है, पहले ये देखना है।
अगर ये MOSFET ओके है, ओके का मतलब क्या होगा, गेट में कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है, फिर भी हमारा थ्री वो जो पिन नंबर थ्री है उधर पे कोई वोल्टेज नहीं बनने दे रहा है। अगर ये इधर पे मिल जाएगा हमें वोल्टेज ओके, तो इसका काम ही हो जाएगा इसे ग्राउंड करना, समझे ना। ओके चलो फिर से एक बार आपको समझा देता हूँ, समझो अच्छे से। देखो VTT जो लेवल है वो इधर पे जाके रुकना चाहिए, बिकॉज ये तो हमारा इम्पोर्टेंट वोल्टेज है। अगर वो वन सेकेंड एक फोन आ रहा है, तो एक कॉल आ गया था, सॉरी। देखो मैं जो बोल रहा था, तो हमारा जो VTT लेवल जो पॉइंट था जो हमारा पिन नंबर फाइव पे जा रहा था, वो हमारा इम्पोर्टेंट एक वोल्टेज है, राइट। ये इम्पोर्टेंट वोल्टेज है जिधर पे हमें 1.2 वोल्ट के करीब चाहिए। कैसे मैंने पता किया, बिकॉज देखो इधर पे 30 इधर पे 28 है, सो आपको वोल्टेज डिवाइडर कैलकुलेशन करना है, राइट। तो इधर पे 1.2 वोल्ट के करीब चाहिए हमें। सो अगर 1.2 वोल्ट इधर पे बनता है तो ही हमारा जो VTT GMCH जो है वो आउटपुट होगा किससे, Q315 से, जो मैंने पहले ही दिखा दिया। ये है Q315 जिसमें हमारा वोल्टेज नहीं है, ठीक है। चलो अभी ये वोल्टेज को ये MOSFET ग्राउंड कर रहा है कि नहीं, ये हमें पता करना है। तो पहले क्या देखना है, पहले ये देखना है जो MOSFET का पिन नंबर थ्री पे, कौन सा MOSFET है, Q316 का पिन नंबर जो थ्री है, उस पे क्या हमारा VTT लेवल है। मोस्ट प्रॉब्ली नहीं होगा, बिकॉज ये तो जो पॉइंट से वो कनेक्टेड था उधर पे हम लोग चेक किए, तो इस पॉइंट पे कैसे आ सकता है, तो मोस्ट प्रॉब्ली हमें इधर पे नहीं मिलेगा। तो नहीं मिलने का रीज़न ही क्या है, ये MOSFET हमारा ख़राब है। कैसे हम पता लगा सकते हैं MOSFET ख़राब है, इसका मतलब हमारा पिन नंबर टू में गेट में ड्रेन में तो हमारा वो वोल्टेज नहीं बनेगा, तो गेट में हमारा अगर वोल्टेज है तो इसका काम क्या होगा, ये वोल्टेज को ग्राउंड कर देना। बिकॉज जब भी एन चैनल का वोल्टेज हाई होता है तब ड्रेन टू सोर्स करंट फ्लो कर जाता है, ओके। सो अगर ये वोल्टेज इधर पे नहीं मिल रहा है, फिर भी हमारा VTT लेवल पिन नंबर थ्री से मिसिंग है, तो हम बोल सकते ये MOSFET हमारा ख़राब है, ठीक है, इसे आप समझो। तो अभी इसका स्टेटस चेक करते हैं, क्या निकलता है देखते हैं। अगर इधर पे वोल्टेज आ रहा है तो इधर पे तो वोल्टेज आएगा अगर, तो इसका कोई ना कोई इधर पे पूरा एक बड़ा सारा एक सर्किट है, उस सर्किट में प्रॉब्लम है, ठीक है। चलो यही जो है ना, यही सब लोग आउट ऑफ वीडियो कर लेते हैं, कोई भी नहीं जानता कैसा सर्किट है। सर्किट को ट्रेस करना पड़ता है, देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, उसके बाद ऐसा होता है, ठीक है। सब आउट ऑफ वीडियो कर लेते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन दिखा देते हैं 10 मिनट में, आप वो देख के समझ लेते हो, आप अच्छे से रिपेयर कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है कभी भी, ठीक है। चलो तो देखो मैं ट्रिगर देता हूँ, ठीक है, आपके साथ 1 सेकेंड। ये ट्रिगर 00 मैंने ऑन कर दिया। अभी जो ये MOSFET था ये है Q316, तो 316 इधर ही कभी होगा, 316 मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ, 316 D10 32 12 316 32 25 भाई 316 किधर है भाई, ये देखो इधर पे लिखा गया है, 1 सेकेंड मैं थोड़ा सा आपको लोकेट लेके आता हूँ। देखो इधर पे लिखा गया है Q316 ओके। चलो बोर्ड अभी भी ऑन है, आप देख सकते हो, कैसे आपको मालूम पड़े, देखो इधर पे आपका 1.8 वोल्ट बन रहा है, ठीक है, जो रैम का वोल्टेज है वो बन रहा है, इसका मतलब बोर्ड ऑन है, राइट, ठीक है। तो अभी देखो इस पॉइंट पे हमारा वोल्टेज नहीं बन रहा है, 1 सेकेंड आप नहीं देख सकते हो, जिस पॉइंट पे हमारा मेन कॉन्सर्न था उस पॉइंट पे नहीं वोल्टेज बन रहा है। तो हम लोग इधर पे देखे पिन नंबर जो थ्री है, जो ड्रेन है, ये है Q316, इधर पे देखो हमारा ड्रेन पे कोई भी वोल्टेज नहीं है, ओके। मैंने बताया ये इससे ही कनेक्टेड है, तो इस पे अगर नहीं वोल्टेज बनेगा तो इससे कैसे बन सकता है, ये वोल्टेज नहीं है। तो देखो इसका गेट क्या हाई है, देखो इसका गेट हाई है, तो इसका गेट अगर हाई है तो इसका काम है इसे ग्राउंड कर देना, ओके। ये MOSFET का फॉल्ट नहीं है, चलो बोर्ड बंद करते हैं,
इस आँख को इधर से निकालते हैं और सर्किट पे ले आते हैं। समझो क्या हुआ, मैंने ये मॉस्फेट का अपर वाला पार्ट पे गेट पे चेक किया, मिला कोई भी वोल्टेज नहीं है। राइट, ये ओके है बिकॉज ऑफ कोर्स वीटीटी लेवल हमारा मिसिंग था, तो इससे भी मिसिंग ही होगा। बट हमारा गेट का वोल्टेज हाई है, हाई अगर गेट का वोल्टेज होगा तो इसका काम है इसे ग्राउंड करना, तो इसका लॉजिक बिगड़ गया। समझो यही है, ये जो ट्रांजिस्टर मॉस्फेट का पूरा कॉम्बिनेशन सर्किट दिख रहा है ना, ये बहुत बड़ा सर्किट है, ठीक है। ये आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट आज मैं ट्राई करूँगा इसे एकदम सिंपल वे में। देखो ये कितना एक बड़ा सर्किट है, ओके। ये है ओके, देखो ये है 5 वोल्ट डुअल का सेक्शन, ओके। ये 5 वोल्ट डुअल से कंट्रोल होगा पूरा ये सेक्शन, तो आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट जो बिगिनर है ऑफकोर्स, बट ये वीडियो थोड़ा सा देख लो। हाँ भाई, इस वीडियो अगर देख लोगे तो आपका पूरा कन्फ्यूजन क्लियर होगा, आपका आप खुद इसे रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। देखो क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या है, देखो ठीक है, मैं पूरा लॉजिकली जा रहा हूँ। देखो इधर पे गेट पे हमारा वोल्टेज बन रहा है, इसका मतलब पावर ओके भी हमारा मिसिंग होगा। इस पॉइंट से इस पॉइंट कनेक्टेड है, तो हमारा जो 5 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट ये इधर से आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसका गेट Q33 का गेट एक्टिवेट नहीं है। Q33 का पहले हम लोग गेट चेक करेंगे, अगर Q33 का गेट एक्टिवेट नहीं है तो ये ओके है। ये वोल्ट ये ओके है का मतलब क्या है, इधर पे वो अगर कोई गेट वोल्टेज नहीं रहेगा तो ऑफ कोर्स ये मॉस्फेट ये वोल्टेज को ग्राउंड नहीं करेगा, और हमारा ये पिन पे वोल्टेज रहेगा तो ये वोल्टेज नहीं बनेगा, ठीक है। सो ये लॉजिक तो खराब है, बट मॉस्फेट क्या खराब है ये हमें पता करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसके बाद सेकेंड में Q33 का गेट चेक करेंगे, ओके। Q33 का अगर गेट लो है तो प्रॉब्लम है फिर से लॉजिक का, ओके। हम लोग एक स्टेप पीछे जा रहा है, ओके, बैक ट्रेसिंग कर रहे हैं, बट पहले चेक करना है। अगर समझो इधर पे वोल्टेज आ रहा है फिर भी ये मॉस्फेट इस वोल्टेज को ग्राउंड नहीं कर रहा है, तो हमारा इस मॉस्फेट का फॉल्ट है, इस मॉस्फेट को हमें रिप्लेस करना है, ठीक है। अगर इस बोर्ड का ये मॉस्फेट का गेट पे हाई वोल्टेज बन रहा है तो सॉरी लो वोल्टेज बन रहा है तो इसका काम है ऑफ रहना और ये वोल्टेज को पास कर देगा। तो इधर पे लो या हाई है वो देखना पड़ेगा, हाई है तो ओके है, लो है तो नहीं है, ओके। Q33 चलो, ये टाइम लगने वाला है बट आपको एक बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, हम जानते हैं, ठीक है। देखते रहो, मैं भी नहीं जानता सॉल्यूशन क्या है बट करके ही छोड़ूंगा ऑफ कोर्स। तो Q33 देखो ये है हमारा Q33, तो ये मोस्ट प्रोबेबली हमारा Q33 जो है ये नीचे वाला पॉइंट पे है 25, ये Q33 है, ओके। एक सेकेंड मैं थोड़ा कन्फर्म हो लेता हूँ, ओके। Q33 तो Q33 कैसे कन्फर्म होंगे, हम लोग बजर मोड पे जाएंगे तो Q33 का जो 3 नंबर पिन है, तो ये मैंने बताया 25, ये दो ऐसा है, ये 33 है Q33 का जो क्या बोलते हैं ड्रेन है उसके साथ ये गेट कनेक्टेड होगा। देखो इसके साथ ये गेट कनेक्टेड है, ठीक है। उसके साथ और एक मॉस्फेट था जो Q25 है, मोस्ट प्रोबब्ली यही Q25, इसका भी गेट कनेक्टेड है, तो ऑफकोर्स ये हमारा Q33 है। तो Q33 का हमारा जो ड्रेन है इधर पे हमारा 5 वोल्ट है, बिकॉज़ ये गेट पे हमने चेक कर पहले ही करके देखा है 316 का गेट हाई है। सो इस वाले में इसका जो ड्रेन है इस पे वोल्टेज है, बट हमें देखना है इसका क्या गेट में वोल्टेज है और नहीं है। अगर है तो इसका काम था ग्राउंड करना बट नहीं किए, अगर नहीं है तो इसका काम ही है ऑफ रहना, तो वो ऑफ रहता है रह रहा है, ठीक है। चल बोर्ड ऑन, फिर से मैं इसे वोल्टेज रेंज पे रख लेता हूँ, ट्रिगरिंग करता हूँ, ट्रिगर ऑन, 0-0 है, दिखा दो क्या,
देखो देख सकते हो 0.0 चलो ओके। बार बार दिखाना ही प्रॉब्लम है। देखो अभी अगर मैं देखूँ इसका टॉप वाले पार्ट पे 5 वोल्ट है ओके, तो सॉरी आप नहीं देख सकते, फोकस फोकस कर लो भाई, फोकस अच्छे से फोकस कर लो। हाँ तो टॉप वाले पार्ट पे इधर पे 5 वोल्ट है, तो इसका गेट का स्टेटस देखो, देखो गेट का स्टेटस लो है, तो इसका काम है तो 5 वोल्ट को पास करके रहना ठीक है। तो ये मॉसफेट का भी प्रॉब्लम नहीं है, समझो मैं बैक पे जा रहा हूँ। क्या हुआ अभी इस वाले का मॉसफेट का गेट में वोल्टेज नहीं है, अगर ये वोल्टेज नहीं रहा तो इसे तो ये छोड़ ही देगा, ये इसे गाउन थोड़ी करेगा। तो ये दो ठीक है, ये भी ठीक है, इसका भी लॉजिक ओके ही चल रहा है, जो इसका काम था, लॉजिक नहीं ओके है, लॉजिक गड़बड़ हो गया गारंटी, बट इसका जो काम था वो कर रहा है। गेट में वोल्टेज नहीं है, इसे पास कर रहा है। अगर इसे गेट में वोल्टेज होता तो इसे ग्राउंड कर देता। चलो देखो इसका गेट जो है वो हमारा दो ओपैम्प से कनेक्टेड है ओके। इसका गेट, ये सर्किट को छोड़ दो, क्यों छोड़ दो, देखो SLP वगैरह जब आएगा तब SLP आएगा, हिट करेगा SLP ट्रांजिस्टर पे, वो एक ही कंडीशन क्रिएट करेगा, 5 वोल्ट को ग्राउंड करेगा, 5 वोल्ट को ग्राउंड करेगा तो इसका 5 ग्राउंड हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा ठीक है, और ये जो वोल्टेज है वो सस्टेन करेगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग देखेंगे ऑफकोर्स ये मॉसफेट का जो Q305 है, इस मॉसफेट का 3 पिन नंबर 3 ड्रेन इससे कनेक्टेड है, सो इस ड्रेन पे हमारा वोल्टेज नहीं है। इसका रीज़न क्या है, हमारा ये दो ओपैम को हमें चेक करना है, ये क्या है, U8 है, तो U8 मोस्ट प्रोबली एक 4x8 पिन का एक छोटा कंट्रोलर होगा, जो ओपैम्प है उसके अंदर में दो ओपैम्प लगा है, वो लंबे वाले में 4 ओपैम्प होता है, इसमें 2 ओपैम्प है, इसका मॉडल नंबर मोस्ट प्रोबली 393 है ओके। मैं देखता हूँ बोर्ड में किधर है, तो इसका 7 नंबर पिन और 1 नंबर पिन कनेक्टेड है, इसमें वोल्टेज नहीं आ रहा है, ये हमें चेक करना है। इसका रीज़न क्या हो सकता है, इसका रीज़न हो सकता है हमारा इनपुट का सर्किट पूरा ओके, ये जो पूरा सर्किट है ये नहीं, तो हमारा मोस्ट ये हो सकता है एक प्रॉब्लम, नहीं तो ये हो सकता है हमारा जो 12 वोल्ट है वो नहीं आ रहा है इस पॉइंट पे। देखो ये दो एन चैनल का मॉसफेट है, ये 12 वोल्ट हाई वोल्टेज इधर पे आएगा तो ये 5 वोल्ट स्टैंडबाय से डुअल में कन्वर्ट होगा ठीक है, और इस वोल्टेज से ही इधर पे हाई वोल्टेज बनेगा, इधर से हाई वोल्टेज बनेगा तो ये ग्राउंड कर देगा, ये ग्राउंड कर देगा तो इसका जो गेट है वो भी लो हो जाएगा जो अभी हाई है, और ये दो वोल्टेज बन जाएगा। तो हमारा लॉजिक के हिसाब से हमारा लॉजिक बिगड़ रहा है इस पॉइंट पे, तो हम लोग इस ALM को अभी चेक करेंगे ओके। इसका इनपुट चेक करेंगे, इसका वोल्टेज वगैरह एवरीथिंग चेक करेंगे। तो आपको देखो क्या करना है, इधर पे आपका VCC है 5 वोल्ट, इधर पे आएगा वोल्टेज डिवाइडर लगा है, इधर पे वोल्टेज डिवाइडर कैलकुलेशन करके आपको देखना पड़ेगा पिन नंबर 3 पे क्या है। उसके बाद देखो 5 वोल्ट फिर से आ रहा है स्टैंड बाय, इधर पे 10K है, इसका मतलब पूरा 50% में डिवाइड हो जाएगा, 2.5 वोल्ट इधर पे मिलेगा ओके। इसके बाद 12 वोल्ट इधर पे है, 8 और 12 2.7 का रजिस्टर है, इस पे वोल्टेज डिवाइड होगा, 5 पे मिलेगा ठीक है। तो ये 3 वोल्टेज आपको मिलना चाहिए, इनपुट का वोल्टेज मिलना चाहिए और आउटपुट का वोल्टेज क्या स्टेटस है देखना चाहिए। अगर आउटपुट में वोल्टेज नहीं है तो हम लोग इस रजिस्टर को फाइंड करेंगे, देखेंगे इस रजिस्टर का 12 वोल्ट इधर पे प्रेजेंट होना चाहिए इस पॉइंट पे आउटपुट पे। सो अगर ये आउटपुट पे प्रेजेंट है तो ये वोल्टेज इधर से ओके निकल जाएगा, हमारा लॉजिक ओके हो जाएगा ठीक है। चलो आगे जाते हैं ठीक है। तो अभी हमने क्या बताया, U8 को सर्च करना है, U8 एक 4 पिन का IC, देखो ये एक 4 पिन, चलो यही U8 है, देखो इधर पे लिखा भी है U8 ठीक है। चलो इसका स्टेटस चेक करते हैं ठीक है ओके। पहले बोर्ड ऑन करके आपको दिखा देता हूँ, बोर्ड ऑन है, ये बोर्ड ऑन ठीक है। चलो गुड ओके है ठीक है, मैं थोड़ा सा नहीं देख सकता हूँ हाँ अभी ठीक है, बिकॉज मैं कैमरा से देख के ही काम कर रहा हूँ ओके। पिन नंबर 1 और 7 पे आउटपुट है, तो ये पिन नंबर 1 है
ओके, आप मल्टीमीटर नहीं देख सकते, सब कुछ एक फ्रेम में लेके आना कितना मुश्किल है ना। ये देखो पिन नंबर वन पे नो वोल्टेज, तो अगर पिन नंबर वन एंड पिन नंबर सेवन, 1 2 3 4 5 6 7, अगर इस दोनों में वोल्टेज नहीं रहा तो हमारा पूरा लॉजिक बिगड़ जाएगा, ठीक है। यही है हमारा प्रॉब्लम, तो हम लोग प्रॉब्लम फाइंड आउट कर चुके। अभी तक जो भी मॉसफेट वगैरह देख रहे थे वो प्रॉब्लम नहीं था, वो उसका काम कर रहा था, बिकॉज ऑफ लॉजिक बिगड़ गया उसका। बट राइट नाउ हमने जो फाइंड किया पिन नंबर वन, जो हमारा आउटपुट है वो लो है, उसे हाई होना चाहिए। इधर पे मोस्ट प्रॉब्ली हमारा 12 वोल्ट, मोस्ट प्रॉब्ली क्या 12 वोल्ट ही होना चाहिए। देखो क्यों मैं बोल रहा हूँ, एक बार देख लो, बोर्ड को ऑन ही छोड़ देते हैं, ठीक है। देखो इस वाले पॉइंट पे मैं बात कर रहा हूँ, ये U8A एंड B है, इसका मतलब दो एम्पलीफायर इसके अंदर में है ऑप एम्प। सो ये जो एक एंड सात नंबर पिन है ये कनेक्टेड है इस पॉइंट से। इधर पे अगर लो वोल्टेज बन रहा है तो इसका काम ही है इसे पास करना, इसे काम नहीं है इसे ग्राउंड करना। तो इधर पे हमारा 12 वोल्ट चाहिए, सो ये वोल्टेज आएगा। अगर ये वोल्टेज आएगा कब, जब इसका इनपुट का सेक्शन ओके रहेगा। अगर इनपुट का सेक्शन गलत हो जाएगा तो इसे वोल्टेज वो पास करने नहीं देगा, ठीक है। तो हमें इसका 3 2, ऐसे 2 और 6 कनेक्टेड है, सो 3 2 एंड 5 हमें चेक करना है, ठीक है। चलो वोल्टेज डिवाइडेशन कर लेते हैं। पहला है VCC जो है 5 वोल्ट, इसका मतलब इधर पे 2.8K एंड 12K और 2.2-2.3 के करीब मोस्ट प्रॉब्ली 2 वोल्ट से 2.2 के वोल्ट में मिलेगा पिन नंबर 3 पे, ठीक है। अब वोल्टेज डिवाइडर कैलकुलेशन कर लो, ठीक है। पिन नंबर सॉरी इस पाले का पिन नंबर क्या 3 ओके 1 2 3, ये 3 देखो 2.2 है, ओके 2.02 परफेक्ट है। सो हमारा पिन नंबर 3 ओके है। इसके बाद पिन नंबर 2 जो दो पिन से कनेक्टेड है 2 एंड 6, मैं इधर पे छोटा सा एक सर्किट इधर पे दिखा दूंगा, ठीक है। तो पिन नंबर मैं तो स्कीमेटिक देख रहा हूँ, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। पिन नंबर जो 2 एंड 6 है उसमें वोल्टेज डिवाइडर है एकदम सेम वैल्यू का 10K का, इसका मतलब 5 वोल्ट आधे में बढ़ जाएगा, इसका मतलब 2.5 वोल्ट मिलेगा 2 एंड 6 पे, ठीक है। चलो देखते हैं 1 2, देखो 2.5 वोल्ट परफेक्ट और 6 ओके 4 5 6 परफेक्ट। तो अभी और एक वोल्टेज है वो है 12 वोल्ट, 12 वोल्ट के लिए वोल्टेज डिवाइडर है 8.2 एंड 2.7, इसका मतलब 3 वोल्ट के करीब मिलेगा, ओके 3.1 ऐसा। सो पिन नंबर फाइव ओके 1 2 3 4 5, ये देखो 3.1 वोल्ट, तो हमारा वोल्टेज डिवाइडर पूरा ओके है। चलो फिर से दिखा देता हूँ, देखो मैंने क्या चेक किया, पिन नंबर 3 पहले चेक किया, इधर पे हमारा 2.02 बन रहा है ओके। इसके बाद 5 वोल्ट डिवाइडेड हो रहा है सेम वैल्यू से 2.5 वोल्ट, 6 एंड 2 नंबर पिन देख लो कनेक्टेड है ओके। 12 वोल्ट को डिवाइड करके देखा 3.1 वोल्ट आ रहा है, तो 12 वोल्ट जो 8 एंड 2.7 है, तो इसका कॉम्बिनेशन करके देखो इधर पे हमें मिलना पिन नंबर 5 पे मिल रहा है कितना प्रॉपर वोल्टेज 3.1 वोल्ट। तो अगर ये सब कुछ बन रहा है फिर भी मेरा आउटपुट नहीं बन रहा है, इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न है देखो पिन नंबर 1 पे अभी भी तो इनपुट इसका ओके है LM का, तो पिन नंबर 1 पे अभी भी वोल्टेज नहीं है। तो इसका काम था, अगर मैं बोल रहा था जो सर्किट को, इस ये सर्किट अगर ओके रहेगा तो ये वोल्टेज पास करेगा इस पॉइंट पे ओके, और ये ही वोल्टेज इस पॉइंट से आ जाएगा इस पॉइंट पे और हमारा लॉजिक बन जाएगा एकदम परफेक्ट। सो 12 वोल्ट ये R375 कौन सा रजिस्टर है इसे हमें फाइंड करना है, 2.8K का है, 12 वोल्ट इसका इनपुट में है बट आउटपुट में नहीं है। क्यों नहीं है, मैं तो देख रहा हूँ 12 को इधर पे नहीं है, तो ये हमें चेक करना है, ठीक है। कौन सा रेजिस्टेंस है और क्यों वोल्टेज को वो पास नहीं करने दे रहा है, क्या रजिस्टर खराब है, क्या उसका आउटपुट में शॉर्ट है, वो आपको देखना है, ठीक है।
तो अभी बोर्ड ऑफ करके हम लोग चेक करेंगे। देखो अभी बोर्ड ऑन था, ठीक है, अभी भी गुड। तो ये हमने ऑफ कर दिया, ठीक है। अभी देखो इधर पे वोल्टेज है, नहीं है। तो इधर पे मल्टीमीटर को हमने बी रेंज पे सेट करके रखा है। अभी पिन नंबर 1 से कोई रजिस्टर बीप करेगा, ठीक है। पिन नंबर वन एंड सेवन कनेक्टेड है, तो आप 1 पे 7 पे कुछ पे रख सकते हो। 1 एंड 7 देखो, देखो 1 सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7, ये 1 एंड 7 कनेक्टेड है, राइट। सो मैं 7 नंबर पिन पे रख के देख लेता हूँ इधर पे कोई भी रेजिस्टेंस। ये कनेक्टेड, गुड। देखो एकदम पॉइंट में वैल्यू है, डायरेक्ट कनेक्टेड है और इसका आउटपुट 700। ओके, सो ये डायरेक्टली कनेक्ट है पिन नंबर 1 और 7 पे। तो ये हमारा हो सकता है 12 वोल्ट का रेजिस्टर। तो चेक करते हैं इसका रेजिस्टेंस क्या है, ठीक है। रेजिस्टेंस से हम पता लगा सकते हैं, है 100%। ओके, ये तो बहुत लो दिखा रहा है, ठीक है, ये बहुत लो है, 0.8 ऐसा कुछ दिखा रहा है। तो आई डोंट नो ये ख़राब भी है और क्या है, ठीक है, बट इससे तो ये पूरा कनेक्टेड है, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं, हम लोग अभी पावर देते हैं। आउट ऑफ सर्किट चेक करना होता है, समटाइम ऐसा हो सकता है। तो आउट हमें देखना है इस 3 नंबर रजिस्टर जो है, इधर पे देखो ये 3 नंबर रजिस्टर, ये कौन सा रजिस्टर दिखा, ये लास्ट वाला, ये 3 नंबर। ओके, मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ, बीप सुनो इधर से, ठीक है। देखो ये पिन नंबर 1 सेकेंड, मैं ही नहीं देख सकता। अरे अभी तो बीप कर रहा था, अरे ये क्या हो गया, हो गया मेरा मल्टीमीटर प्रॉब्लम। ये ठीक है, पिन नंबर 1 पे कनेक्टेड, ये रजिस्टर नहीं है, ये फिर से एक रजिस्टर था बट ये नहीं है। ओके, ये ओपन है, ये रजिस्टर का इस वाले पिन से हमारा कनेक्टेड है, ठीक है, गुड। 1 और 7, तो इसका इनपुट में वोल्टेज क्या आ रहा है। अगर 12 वोल्ट आ रहा है तो हम लोग परफेक्ट रेजिस्टेंस पे है, गुड। चलो बोर्ड को पहले ऑन कर लेते हैं, आपको दिखा लेते हैं, ऑन है बोर्ड, ठीक है, कोई गलत फहमी नहीं होना चाहिए। बोर्ड अभी भी 0-0, ठीक है। चलो इस पॉइंट पे आ जाओ, वोल्टेज पे रख के रखा हूँ, पहले दिखा देता हूँ बोर्ड ऑन है। देखो इधर पे देखो 1.8 वोल्ट, सो बोर्ड ऑन है। तो अभी मैंने जो 3 नंबर रजिस्टर देखा, इसका आउटपुट में कोई वोल्टेज नहीं है, मैंने वो देखा इनपुट में, ये देखो 12 वोल्ट, देख रहे हो, देख ये देखो 12 वोल्ट आपका। तो आपका 12 वोल्ट इनपुट है, प्रॉपर है, हम लोग रजिस्टर फाइंड कर चुके, तो बगल में से ही होता है ऑफ कोर्स। तो ये जो रजिस्टर है ये हमारा मिल गया, इसका इनपुट में 12 वोल्ट है, आउटपुट में कोई भी वोल्टेज नहीं है। इसका रीज़न क्या हो सकता है, इसका रीज़न हो सकता है ये मॉस्फेट वगैरह शॉर्ट है। बट देखो 2 मॉस्फेट नहीं हम बोल सकते, बिकॉज ये जो मॉस्फेट है ये भी 1K से प्रोटेक्टेड है। सो अगर ये ख़राब होता, अगर ये ख़राब समझो हाँ, ये ख़राब होता तो वोल्टेज इधर पे आके ये नहीं बनता, बट अभी ये ही नहीं बन रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली हमारा ये वोल्टेज में प्रॉब्लम है और हमारा ये रजिस्टर गया, ठीक है, ये मॉस्फेट में, सॉरी वोल्टेज में बोल रहा हूँ, ये मॉस्फेट में प्रॉब्लम है और हमारा ये रजिस्टर ख़राब है, ठीक है। चलो कैसे हम पता लगा सकते हैं मॉस्फेट ख़राब है कि नहीं, हम लोग टेस्ट करेंगे मॉस्फेट को और शॉर्ट सर्किट को, दोनों को ही टेस्ट करेंगे। तो ग्राउंड, ये ग्राउंड पे रख दिया, तो मॉस्फेट का नंबर है Q37, तो ये कोई पास में ही होगा Q36। ये देखो इधर पे देखो, एकदम इधर पे, ओके, छोटा सा लिखा है Q37, इसका मतलब ये है हमारा Q37। ओके, तो Q37 ये है मॉस्फेट। तो इसका गेट चलो देख लेते हैं, इसका गेट पिन नंबर 1 से कनेक्टेड है, क्लिक, गुड, मिल गया हमारा मॉस्फेट। तो ये क्या शॉर्ट है, नहीं है भाई। तो इसका आउटपुट वगैरह ग्राउंड से चेक कर लेते, ये आपको ग्राउंड दिख रहा है तो इससे ही चेक कर लेते, ये ग्राउंड है, ओके, प्रॉपर ग्राउंड है इसका, इसके साथ देखो, तो ग्राउंड के साथ, ओके, गेट, ओके, आउटपुट, ओके, सो कुछ भी नहीं है।
ये शॉर्ट भी नहीं है। चलो देख लेते हैं ग्राउंड के साथ पिन नंबर वन का क्या स्टेटस है। देखो पिन नंबर वन का भी शॉर्ट, ओके आप नहीं देख सकते ना, बीप नहीं है, आप वो तो सुन सकते हो। चलो अभी इतना ना एरिया बहुत, मेरा मल्टीमीटर बहुत बड़ा है साइज़ में, एक छोटा मल्टीमीटर ख़रीदना पड़ेगा अभी। चलो फिर से एक बार दिखा देता हूँ, देखो ये गेट इसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है, तो ये हमारा मॉसफेट है Q37। तो Q37 इधर से देखो बीप दे के छोड़ दिया, ठीक है, चार्जिंग हो रहा है, 85 आ रहा है ग्राउंड के साथ। अब रिवर्स में चेक करूँगा बिकॉज ये एक साइड चेक करने से कोई मतलब नहीं, इस साइड में कुछ भी नहीं आना चाहिए। हाँ ये थोड़ा सा तो लो है, क्यों लो है हम लोग देख लेते हैं, इसका पॉइंट किधर पे जा रहा है। ओके ओके ये तो हमारा ये कनेक्टर पे जा रहा है 24 पे, इसे ओपन कर दो फिर से चेक करते हैं। हाँ ग्राउंड देखो बढ़ गया इसका रेजिस्टेंस, सो ये जो है ये हमारा इसके अंदर में जो लोडिंग रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसका रेजिस्टेंस है, ओके लो वैल्यू का। सो मॉसफेट ओके है, इस पिन से तो ओके है, ठीक है। देखो रिवर्स करके देख लेते हैं, ठीक है रिवर्स करके ये प्रॉपरली चार्जिंग होके डिस पूरा ये हो जाएगा 600, ओके है, शॉर्ट नहीं है, गेट शॉर्ट नहीं है, आउटपुट शॉर्ट नहीं है ग्राउंड के साथ। तो ईच अदर के साथ क्या कंडीशन है, ये भी शॉर्ट नहीं है, ये भी शॉर्ट नहीं है, ये भी शॉर्ट नहीं है। सो बताओ भाई अगर ये कुछ भी शॉर्ट नहीं है तो हमारा 12 वोल्ट पास क्यों नहीं कर रहा है वो रजिस्टर। रजिस्टर का वैल्यू तो मैंने देखा थोड़ा सा कम है, तो इसे तो पास करना ही चाहिए। देखो ये रजिस्टर फिर से मैं चेक कर रहा हूँ, ओके अगर आप देख सकते हो, देख सकते हो, देखो बहुत बड़ा मल्टीमीटर दूर ये ऐसे मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं ट्राई कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। और ये हमारा रजिस्टर देखो 1.2 दिखा रहा है, ठीक है, ये मोस्ट प्रॉब्ली आउट ऑफ सर्किट इसका वैल्यू प्रॉपर आ जाएगा, बट जो भी है 1.2 ही है ना, ठीक है, इसे तो पास करना था ना, ये पास क्यों नहीं किया। ये अगर पास नहीं करेगा तो मेरा पूरा लॉजिक ही ख़राब है, ठीक है। मैं आपको फाइनल दिखा के वो रजिस्टर को बाईपास करता हूँ। देखो क्या हो रहा है, अगर इसका इनपुट बिगड़ जाता तो ये रजिस्टर इसके साइड में आउटपुट नहीं बनने देता, ये ऑप एम्प, ओके, बट इसका इनपुट ओके है, इसका इनपुट ओके है, तो फिर भी क्यों नहीं इस रजिस्टर का आउटपुट में वोल्टेज है। अगर आउटपुट में वोल्टेज नहीं रहेगा तो इस वाले में वोल्टेज हाई नहीं होगा, ये हाई नहीं होगा, तो मेरा ये जो दो सिग्नल है ये पावर ओके का और VTT लेवल का वो लो ही रहेगा, जो हमने पहले ही देखा जिधर से मैंने स्ट्रेसिंग करना शुरू किया। अगर वो मॉसफेट देख लो पहले फिर से और एक बार, अगर Q36 और उसे छोड़ दो 25 को छोड़ दो, Q36 अगर इसका गेट लो नहीं होगा तो वोल्टेज डिवाइडर नहीं बनेगा, वोल्टेज डिवाइडर नहीं बनेगा तो मेरा VTT नहीं बनेगा, VTT नहीं बनेगा तो पूरा CPU बंद पर के रहेगा, ये तो बंद था ना CPU का, कोई वोल्टेज नहीं था, ठीक है, तो मैंने पहले ही देख लिया VTT में वोल्टेज नहीं है तो CPU क्या खाक बनेगा, ये तो ठंडा पड़ा हुआ था, ठीक है, तो हमारा लॉजिक बिगड़ गया, राइट। तो हमें जो करना है अभी वो है, हमें देखना है ये रजिस्टर को बाईपास करते करने के बाद हमारा बोर्ड में क्या कंडीशन क्रिएट होता है, ठीक है। मुझे तो लगता है यही हमारा प्रॉब्लम है, और मोस्ट प्रोबेबली हम रजिस्टर बाईपास कर देंगे तो बोर्ड में हमारा कोडिंग वेरिएशन भी चालू हो सकता है, ठीक है, वो बात की बात है, ठीक है, वो अभी हम लोग कंसर्न नहीं है उसके बारे में, वो कोडिंग हमारा वोल्टेज बन जाए तो हम लोग लॉजिकली ओके है ये हम बोल सकते हैं, ठीक है, वोल्टेज बन जाए हमारा, कोडिंग है कि नहीं है वो बहुत बात की बात है। गुड, अब देख सकते हो मदरबोर्ड प्रॉपरली, मोस्ट ऑफ द पार्ट मदरबोर्ड का, बिकॉज साइज़ में तो मदरबोर्ड बहुत बड़ा है ना। चलो वोल्टेज को इस रेंज पे स्विच करते हैं, चलो गुड। अभी फिर से मैं एक बार ट्रिगर, ओके इधर पे क्या है भाई,
थोड़ा सा पीछे में जगह बनाना पड़ेगा। हाँ अभी देखो ठीक है, अभी मोस्ट ऑफ द पार्ट दिख रहा है मदरबोर्ड का। चलो अभी क्या करते हैं, इस मॉस जो रजिस्टर है इसे ट्वीज़र से शॉर्ट करते हैं, ओके, और देखते हैं क्या वैल्यू हमारा कुछ होता है कि नहीं। पहले आपको दिखा देता हूँ एक बार, अभी भी कंडीशन एक ही है, आप अगर थोड़ा सा भी क्यूरियस हो, ओके, 00 कोड पे अटका हुआ है। चलो इसे बंद कर दो। अभी इधर पे 3 नंबर जो रेजिस्टेंस है वो 12 वोल्ट वो मैं पास करना चाहता हूँ। आपको दिखाऊंगा, मल्टीमीटर को एक ग्राउंड कर देता हूँ इसके मदद से, ये ट्वीज़र से टच करते ही इधर पे 12 वोल्ट आएगा, बिकॉज इधर पे मैं शॉर्ट करके रखा हूँ। आपको दिखाऊं, अगर आप देख सकते हो तो ठीक है, ये देखो इधर पे मैंने शॉर्ट करके रखा हूँ, ठीक है, तो विश्वास करो मेरे बात पे, और मल्टीमीटर बोल देगा आपको मैं 12 वोल्ट को शॉर्ट किया कि नहीं, ठीक है। तो ये पावर ऑन, वन सेकेंड आपको दिखा दूँ, बोर्ड मैं दिखाना चाहता हूँ, ओके, ये ट्रिगर कोडिंग आ गया, ये देखो कोडिंग, ठीक है, ये देखो बीप भी दे दिया, और ये देखो 12 वोल्ट दिख रहा है मल्टीमीटर पे, ये देखो गुड 12 वोल्ट हम लोग पास कर रहे हैं। सो हमारा बोर्ड में डिस्प्ले बन गया, ठीक है, इसे छोड़ते ही गायब डिस्प्ले। सो बंद कर दो, फिर से चलाओ, इससे इधर पे ट्रिगरिंग दो 00, तो क्या हुआ तो मैं बता दूँ, अभी काम करता हूँ, वीडियो को क्लोज कर देता हूँ, बता देता हूँ 10 मिनट में एक ट्रिक दे देता हूँ आप लोगों को, ठीक है, आपका जब भी आपके पास ऐसा प्रॉब्लम है आप सॉल्व कर सकते हो, राइट, ऐसा एक वीडियो बना दूँ 5 मिनट 10 मिनट का, थोड़ा सा बक बक कर लूँ, जहाँ भाई कुछ तो सिखा रहा हूँ बट कुछ भी नहीं सिखा रहा हूँ अब तरह, और इस रजिस्टर को एक वायर से बाईपास कर दूँ, देखो आपका बोर्ड बन गया, राइट, तो आपके पास भी ऐसा बोर्ड आए तो आप बाईपास कर दो, बोर्ड रेडी हो जाएगा, आपको मिलेगा, आप बाईपास करोगे देखोगे कुछ भी नहीं हो रहा है, बिकॉज आपका प्रॉब्लम इधर से जेनरेट ही नहीं है, आपका प्रॉब्लम कुछ और जगह से जेनरेट है, आपका मेरा BTT मिसिंग है, आपका मे बी GMCH मिसिंग है, आपका मे बी VCore का इनेबल मिसिंग है, ठीक है। सो ये सब ना थोड़ा सा लॉजिक से समझो भाई, ठीक है। मेरे पास बहुत सारा टेलीग्राम का कमेंट आता है, ठीक है जी, सर ये प्रॉब्लम है, मैं डायरेक्टली उसे सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है जी, आप ये चेक कर लो, आप ये कर लो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद बोलता है सर मैम कोई मैकेनिक नहीं हूँ, ओके ओके मैकेनिक नहीं है तो राइट नाउ तो मैं बताया है मैंने, ठीक है, राइट नाउ मैं कुरियर एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, सो मैंने बता दिया, तो ठीक है वो फिर छोड़ देता है। और कोई कोई ऐसा है जो बोलता है मैं प्रॉब्लम उसका बोल देता हूँ ये करो वो करो, वो करके भी हमें बोलता है बोर्ड रेडी हो गया भाई, ठीक है काम बन गया। सो मैं नहीं देखता हूँ जो आप कस्टमर है और टेक्नीशियन है, मैं समझता हूँ जो कस्टमर है, देखो ये छुपाने का मतलब क्या है भाई, कस्टमर आपका बोर्ड खुद ही रिपेयर कर लेगा, अरे कस्टमर के पास इतना थोड़ी इक्विपमेंट है कस्टमर रिपेयर कर सकते, इतना स्कीमेटिक वगैरह डेटा शीट मल्टीमीटर आयरन सोल्डरिंग स्टेशन ऐसा कुछ नहीं है, तो कस्टमर आपका आपके पास ही आएगा, ठीक है, वो जस्ट सिखाना नहीं चाहता, ठीक है, उसका जस्ट मतलब है पैसा कमाना, ठीक है, यूट्यूब से वीडियो बनाओ पैसा कमाओ फिर भूल जाओ, ठीक है, आपको सिखाना अगर होता ना तो मेरे जैसा बड़ा बड़ा वीडियो बनाता, ठीक है, बिकॉज इतना ही टाइम लगता है, ओके, कोई जादूगर नहीं है भाई, इधर पे देख के इधर पे टच करेगा वो ही रिपेयर हो जाएगा, ठीक है, ये इधर पे ही प्रॉब्लम है, कोई जादूगर नहीं है, कोई ट्रिक्स नहीं है, सब कुछ चेक करता है ऑफ कैमरा, उसके बाद जब ये ऑफ कैमरा चेक करता तो इधर पे मुझे मिल जाता 12 वोल्ट का रजिस्टर खराब, तो मैं क्या करता ट्रिक्स बोल के इस रजिस्टर को शॉर्ट कर देता और बोर्ड रेडी हो जाता, ठीक है, ये सब मत करो भाई, ये बहुत गलत चीज़ है, आप झूठा मूठा बोल रहे हो, ठीक है, जो हाँ भाई आपका आप वीडियो देख लो तो आप सीख जाओगे, ठीक है, जो भी देख लगा जिंदगी भर याद रखेगा, ठीक है। चलो तो हम लोग क्या करेंगे, इस रजिस्टर को रिप्लेस करेंगे, ओके, सोल्डरिंग मेरा ये क्या किधर गया, पेस्ट, अरे फ्लक्स किधर गया भाई,
ठीक है, आप लोगों को थोड़ा सा मैं ऊपर ले लेता हूँ, नहीं तो मैं ही काम करना प्रॉब्लम हो जाएगा मेरा है। ठीक है, रजिस्टर मैंने हटा लिया, सॉरी 8.2K का था। चलो रजिस्टर बुक से 8.2 ले लेते हैं किलो, हाँ 8.2 किलो 9.1 आ गया, ये है 8.2 किलो। थोड़ा सा इधर पे मेरा 8.2 ख़राब हो गया था, दो एक निकल गया इधर उधर से। ठीक है, एक निकल लेते हैं, ये 8.2 चलो लगा देते हैं। ठीक है, पॉइंट पे हमारा अब देख सकते हो, ऐसा ही करके लगाते हैं, नहीं तो पहली बार तो नहीं देखा, दिक्कत होता है। ठीक है, हॉट एयर को इतना SMD वाला छोटा कंपोनेंट लगाने के लिए थोड़ा सा दिक्कत होता है। मेरा मैग्नीफाइंग ग्लास गायब हो जाता है इधर उधर से, ग्लास किधर गया, सो मैं भी देख लेता हूँ, आप भी देख लो। ओके, ये देखो 3 नंबर रेजिस्टेंस मैंने चेंज किया। ओके, तभी थोड़ा सा क्लीनिंग कर देते हैं इस पॉइंट को और देखते हैं हमारा काम बना कि नहीं। ओके, रजिस्टर मोस्ट प्रॉब्ली हमारा रजिस्टर ही ख़राब है और कुछ भी नहीं। ठीक है, सो हमने बाईपास करके तो देख लिया। ठीक है, जो बोर्ड में होल्डिंग आ गया, चलो अभी देखते हैं। ओके, टिश्यू पेपर से हम लोग थोड़ा सा पोंछ लेंगे। मेरा टिश्यू पेपर ख़त्म हो गया, मैं ख़रीदना ही भूल जा रहा हूँ, थोड़ा सा फीवर वगैरह था इसलिए मैं पूरा भूल जा रहा हूँ। ठीक है, एवरीडे समझता है मुझे ख़रीदना है, बट देखो। ठीक है, एकदम क्लियर चमक रहा है बोर्ड। चलो आवाज देखिए, देखते हैं। हाँ गुड, आप लोग को थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ। मेरा VGA केबल, ये VGA केबल पावर ऑन, देखो कोडिंग। हाँ, ये डिस्प्ले, 1 सेकेंड आएगा। अरे डिस्प्ले किधर है भाई, बीप तो दे दिया, इधर पे ब्लिंकिंग कर रहा है अभी भी, तो मोस्ट प्रॉब्ली इसका और भी कोई प्रॉब्लम है, देखते हैं। बीप फिर से दिया है, हाँ है, आ गया। ठीक है, चलो तो हमारा बोर्ड रेडी। ठीक है, सो आप देख सकते हो इधर पे, ये देखो। ठीक है, कोडिंग प्रॉपर। ठीक है, तो आपके साथ और एक बार रिसेट वगैरह करके देख लेते हैं। रिसेट, हाँ CPU हीट अप कर रहा है थोड़ा सा, CPU पे ऊपर एक हीट सिंक वगैरह रख देते हैं। ये बीप, ओके तो आपका बोर्ड बन गया, तो जस्ट वो रेजिस्टेंस फॉल्टी था, रेजिस्टेंस चेंज करते ही आपका काम बन गया। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगर आपको एक्चुअली काम सीखना है तो थोड़ा सा टाइम देके इस वीडियो को देख लो। ठीक है, मेरा गारंटी है आप लोग इधर से बहुत कुछ सीख सकते हो।
नहीं तो ना, अगर वो ट्रिक्स वगैरह मैं दिखा दूँ तो देखो ये रजिस्टर ख़राब है, इसे बाईपास करो ऐसा, ठीक है। देखो जस्ट ये रजिस्टर ख़राब है, दिखने में भी रस्टी वगैरह कुछ भी नहीं था, ठीक है, दिखने में फ्रेश था, ऐसा नहीं है दिखने में रस्टी था और कुछ भी, ठीक है, ये रजिस्टर। सो ऐसा होता है तो हमें स्टेप बाय स्टेप चेक करना है, तो मैंने बेफालतू इसे चेंज किया, ये तो अच्छा है तो इसे हम छोड़ देंगे, जो लगा दिया वो लगा दिया, वो भी ओके ही है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और आपका दिल से धन्यवाद इतना अच्छा वीडियो पे कमेंट करने के लिए। कितना लोग जुड़ गए हैं, तो 300 के करीब कितना हो गया, चलो देखते हैं आपके साथ ही चेक करते हैं, चलो कितना हो गया, अभी आज ही आ जाएगा ये वीडियो, ठीक है, तो आज का ही रिपोर्ट। ओह मेरा तो इधर पे, वन सेकेंड, थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है, 318, ओके, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, ओके, 318 पीपल, इतना मेरा घर में आ जाएगा तो मेरा घर तो गिर टूट के गिर जाएगा, ठीक है, इतना लोग जुड़ गए हैं, तो थैंक यू भाई आप लोगों को। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और ऐसा ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, बिकॉज़ मैं अगर वीडियो दूंगा तो ऐसे ही दूंगा, विदाउट चेकिंग, विदाउट क्या बोलते हैं, देख कर फिर वीडियो, ऐसा नहीं डायरेक्टली करके ही बोलूँगा आपके साथ जो ये हो रहा है, ठीक है। मैंने भी गलत स्टेप लिया, बिकॉज मैंने समझा यही ख़राब होगा, ठीक है, बट ऐसा नहीं था, तो जो दिखता है वो होता नहीं है, ये एक कहावत है ना, तो यही है इसका लोचा। तो बोर्ड रेडी है हमारा, तो अभी वीडियो को क्लोज करते हैं, और कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप लोग अच्छे रहो, खुश रहो, ठीक है, चलो बाय बाय।